सुधी दर्शकगण, आज हम नाट्य प्रस्तुति देखेंगे द यूजीन ओ'नील शो, जो तीन एकांकी नाटक से जुड़कर एक प्रस्तुति की शक्ल में आपके सामने शामिल है। इन एकांकी नाटक में है द वेव, रेकलेसनेस, एबॉर्शन, और इन तीनों एकांकी के बीच दूसरे एकांकी के बाद 10 मिनट का मध्यांतर होगा। उसके उपरांत हम तीसरा एकांकी नाटक देखेंगे। प्रस्तुति शुरू हो उससे पहले कुछ निवेदन। मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या साइलेंट कर लें। फोटोग्राफी करते समय फ्लैश ना चमकाएं। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक द यूजीन ओ'नील शो, डिजाइन एंड डायरेक्टेड बाय रवि शर्मा। शीशे में जाकर शक्ल देखो अपनी, मरियल लग रही हो। थोड़ी पुताई कर लो चेहरे की, ऐसी लग रही हो जैसे मेरे सामने कोई भूतनी खड़ी हो। अच्छी तो नहीं लग रही हो, लेकिन ठीक है, चलेगा। लाओ थोड़ी शराब पी लो।
शराब कहाँ है घर में? ये तो वही बोतल है जो तुमने कल रात खत्म की थी। झूठ बोलती हो तुम। मैं जानता हूँ कि घर में इधर उधर छिपा कर रखती हो। निकालो जहाँ भी छिपा कर रखी है तुमने। तुम जानते हो मैं तुमसे कुछ भी छुपा कर नहीं रखती। उसका ये सिला देते हो तुम मुझे कि मैं झूठ बोलती हूँ। अपने दोस्त जैक को देखो, बैसी के पीछे पीछे कैसे चिपका हुआ घूमता रहता है। उसे डर है कहीं बैसी उसे छोड़ ना दे। वो तुम्हारी तरह नहीं, हर लड़की के पीछे लार टपकाता हुआ घूमता, और तुम मेरी परवाह ही नहीं करते। शट अप। घिन आती है मुझे तुम्हारी ऐसी सोच पर। कौन कहता है कि मैं दूसरी लड़कियों के पीछे जाता हूँ? जैक बेवकूफ है, और देखना बैसी को एक दिन मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। बैसी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा उसने, लेकिन जिस तरह जैक के साथ पेश आती है। तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, औरतों को लेकर मर्द हमेशा मर्द का ही साथ देता है। अगर सारी औरतें साथ हो जाएंगी तो हम मर्दों का क्या होगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सच है, सभी मर्दों का रवैया एक सा। Damn it! बंद करो अपनी ये खांसी। दिमाग खराब हो जाता है मेरा, इस दवाई लो इसके लिए कुछ। ये थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये देसी दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। कितनी बार कहा कि किसी डॉक्टर को दिखाओ, दिखाया नहीं तो फिर मुझे मत कहना कि मैंने। प्लीज स्टीव, आज की रात मुझे रुकने दो यहाँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। मेरे यहाँ दर्द होता है, ऐसा लगता है मेरे अंदर कुछ चल रहा है। कभी कभी तो चक्कर आने लगता है, आसपास का सब कुछ घूमने लगता है, पर बाहर बारिश भी तो हो रही है, बाहर भी तो नहीं जा सकती। मेरे जूतों में छेद हो चुका है, और इस वक्त कोई होगा भी तो नहीं बाहर। अगर कोई होगा भी तो मेरी खांसी की वजह से मुझे अपने पास नहीं पटकने देगा। तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ना प्लीज स्टीव, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी, जितना कमाऊंगी सब तुम्हें दे दूंगी। मैं बहुत बीमार हूँ स्टीव। मेरे पास पैसे नहीं है, और तुम्हारे लिए कोई टकसाल नहीं खोल रखी है मैंने। सुबह तो थे तुम्हारे पास पैसे जो तुम मुझसे छीन कर ले गए थे। अब नहीं है। देखो टोनी के घर पर ताश चल रही थी, उसने सब जीत लिया, अब एक भी पैसा नहीं है मेरे पास। मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी हिफाजत करता हूँ। तुम हो कि घर से बाहर नहीं निकलती, मुर्दे की तरफ पड़ी रहती हो इधर। घर से बाहर निकलकर धंधा करो तो दो पैसे कमा सकोगी अपने इलाज के लिए। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। बस यही कहना है तुम्हें, है ना? तो आज मेरी भी एक बात सुन लो, आज से मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, ना पैसा ना अपना शरीर। बदले में मुझे क्या मिलता है तुमसे? सिर्फ गाली। इस वक्त भी तुमने पी रखी है, तुम्हारी आंखें देखकर मैं बता सकती हूँ तुमने पाइप भरकर हैश भी पी रखी है। तुम जैसा मर्द जो शराब और हैश के नशे में रहता है, मैं अपनी जवानी की ऊपर बात करूं? खास पास कई है जो तुमसे बेहतर है। बंद करो अपनी बकवास। तुम पाताल में भी चली जाओगी तो ढूंढ निकालूंगा। मुझे अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं, मैं जीना ही नहीं चाहती। मार भी डालोगे तुम मुझे तो कोई परवाह नहीं। बंद कर अपनी ये सब बकवास। जिंदा क्यों रह रहे हो? जगा दिया ना मेरी बच्ची को, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। बस तुम चिल्लाना बंद करो। हटाओ इसे यहाँ से, मुझे सोना है बिस्तर पर। कहाँ डालू मैं बेचारी को, और जगह है कहाँ? कहीं भी डालो, फर्श पर डाल दो। प्लीज स्टीव, मेरी बच्ची को यही रहने दो।
जगह तो है तुम्हारे लिए बिस्तर पर। सुना नहीं तुमने? हटाओ इसे यहाँ से। नहीं, मैं नहीं हटाऊंगी। नहीं हटाओगी? ठीक है, मैं ही हटाऊंगा। बहुत सह लिया मैंने स्टीव। हाथ कब लगाने मेरी बच्ची को? नहीं तो मैं। नहीं तो क्या करोगी? एक बात कान खुल कर सुन ले, ये कुतिया की औलाद यहाँ नहीं रहेगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इसका रोना चिल्लाना, फेंको इसे कहीं भी, किसी अनाथ आश्रम में दे दो। मैं जानता हूँ अच्छी देखभाल होती है वहाँ, मैंने खुद देखी है वो जिंदगी, बचपन वहीं बिताया है मैंने। तुम अच्छी माँ साबित हो सकती हो, लेकिन यहाँ इस कूड़े करकट और गंदगी में परिवार नहीं पाला जा सकता, समझी तुम? प्लीज स्टीव, मैं मिन्नत करती हूँ, मेरी बच्ची को यही रहने दो, इसी के लिए तो मैं जी रही हूँ। अगर ये यहाँ नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगी, जहर खाकर जान दे दूंगी अपनी। हर औरत ऐसे ही कहती है अपने औलाद के लिए, मगर इसे तो जाना ही होगा, इसी की वजह से तुम्हारा धंधा बंद है। हर 10 मिनट के बाद तुम्हें घर आना होता है, कहीं ये भूखी तो नहीं है, सो गई है या नहीं, इसी की वजह से आज हमारे पास पैसे नहीं है। ये यहां रहेगी तो हम भूखे मर जाएंगे। प्लीज स्टीव, मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत करो। तुम्हारे इस रोने धोने का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ, इसका कोई इंतजाम करो, नहीं तो मैं इसे। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? धंधा करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा, इसे वो खुद ही अनाथ आश्रम में डाल देंगे। तुम मुझे डरा रहे हो स्टीव, धमकी दे रहे हो, मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। एक हफ्ते के बाद देख लेना करता हूँ या नहीं। मुझे अरेस्ट करवा के तुम्हें क्या मिलेगा स्टीव? बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास। मैंने तुम्हारी हर बात मानी है स्टीव। तो दफा करो इसे यहाँ से, इसी ने हमें नर्क में। हाथ मत लगाना मेरी बच्ची को। निकल जाओ यहाँ से। रुको। दफा हो जाओ घटिया इंसान, दफा हो जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। आज छेद साथ हटाओ, तेरे सीने में इतने छेद करूंगा कि गिरने के लिए सांसें भी कम पड़ जाएंगी। चलो अब चलते बनो यहां से, फिर कभी इस लड़की को परेशान करने की कोशिश की तो जान से भी हाथ धो बैठोगे, समझे तुम? तुम कौन हो और हमारे जाति मामले में टांग अड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं? मैं इसके साथ कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहां खड़े खड़े इस लड़की को पिटता हुआ देखता रहूंगा? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बच्ची को अपने साथ रखना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है हर मर्द तुम्हारी तरह गंदी नाली का कीड़ा होता है? इससे पहले कि मैं पिस्तौल का घोड़ा दबा दूं, दफा हो जाए यहां से। अब तो मैं चला जाता हूं, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा और तुम्हें भी। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है,
वो अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। ऐसे आदमियों के औकात में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। औरतों को डरा कर धमका कर उनसे मार पीट कर पैसे ऐंठ कर रोटी खाते हैं ऐसे लोग। तुम फिक्र मत करो, अब ये तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम इस चीज को नहीं जानते, शराब और गांजा पीने के बाद वो कुछ भी कर सकता है। मेरी सास कुछ भी करे उसकी परवाह नहीं है मुझे। मैं तो अपनी बच्ची के लिए जी रही हूँ, लेकिन तुम मेरी वजह से कोई मुसीबत मोल मत लो। स्टीव अच्छा आदमी नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैंने बहुत देखे स्टीव जैसे। शुक्रिया तुम वक्त पर आ गए, नहीं तो वो न जाने मेरी बच्ची के साथ क्या करता, और मैं उसे रोक भी नहीं पाती। जो कुछ हुआ उससे बस तुम पर कोई आंच ना है, यही बात मुझे परेशान कर रही है। तुम चिंता मत करो, मुझे अपना बचाव करना आता है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाला कमरा लिया है। तुम दोनों की झगड़े की सारी बातें सुनी है मैंने, और पिछले कुछ दिनों से हर रात सुनता आ रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ किस तरह का सलूक करता है। मैं इससे पहले भी आना चाहता था, फिर मैंने सोचा कि तुम दोनों के मामले में क्यों टांग अड़ाऊं। आज तो हद कर दी उसने। जब मैंने इस नन्ही सी बच्ची को बाहर फेंकने की बात सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तो सिर्फ चेतावनी देने आया था, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि तुम उसे कैसे हो, क्यों बर्दाश्त करती हो। बच्ची को लेकर कहीं चली क्यों नहीं जाती। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। क्या मतलब, क्यों छोड़ नहीं सकती उसे? मेरे हाथ में कभी इतना पैसा छोड़ा ही नहीं स्टीव ने, जो मैं बच्ची को लेकर कहीं चली जाती। सारा पैसा अपने कब्जे में रखता है। अगर मैं कभी कहीं चली भी गई बच्ची को लेकर, तो वो मुझे ढूंढ लेगा और मार डालेगा मुझे। अगर मेरी जान नहीं लेगा तो मुझे जेल में बंद करवा देगा, मेरी बच्ची का क्या होगा? क्या मतलब, जब तुमने कोई चोरी ही नहीं की तो तुम्हें जेल कैसे भिजवा देगा? तुम स्टीव को नहीं जानते, पुलिस से उसकी मिली भगत है। रात को सड़क पर चलते हुए वो मुझे पकड़वा देगा कि मैं अकेली बाहर सड़क पर क्या कर रही हूँ। तुम कोई नौकरी ढूंढ लो, काम कर लो, छोड़ दो उसे। नौकरी? मेरे धंधे के बारे में जानने के बाद कौन रखेगा मुझे नौकरी पर? और क्या इसकी उसे नहीं बताएगा जाकर मेरे बारे में? अगर वो खुद नहीं बताएगा तो अपने किसी चमचे को भेज देगा बताने के लिए। इसकी बहुत चालबाज इंसान है, मैं उसके चंगुल में बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। कोशिश की थी मैंने नौकरी ढूंढने की, जब भूखा मरने की नौबत आ गई मैंने एक घर में नौकरानी का काम ले लिया। सुबह से शाम तक कुत्ते की तरह काम करती थी, और मिलता क्या था महीने की $25। मैं तो घर से भी बाहर नहीं निकलती थी, कहीं कोई जानने वाला ना देख ले, लेकिन बच नहीं सकती। एक रात मेरे मालिक के घर एक मेहमान आया रात के खाने पर, उसने शायद मुझे देखा होगा तभी
जब मैं शहर में धंधा करती थी, उसने अपना फर्ज समझकर मेरी मालकिन को बता दिया और अगली सुबह मेरी मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई हरामी आ जाता था अपना फर्ज पूरा करने के लिए। फिर मैंने कोशिश करना ही छोड़ दिया। मैंने सोचा ये सफेद कपड़े पहनने वाले मर्द मुझे मेरे दामन के दाग को धोने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें अपने घर का बिस्तर पाक और साफ रखना है। फिर भी एक बार और कोशिश करो, किस्मत का क्या भरोसा, हो सकता है पासा इस बार ठीक बैठ जाए। अब क्या मिलेगी मुझे नौकरी, बातें करना आसान है, सिर्फ घर का काम ही तो आता है करना मुझे, और उससे इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं घर का खर्चा चला सकूं। जैसी लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, हम इज्जतदार जिंदगी में लौटना चाहती है जो मुमकिन नहीं, क्योंकि हमें इस जिंदगी से बाहर आना आता ही नहीं, सिखाया ही नहीं गया। आज जो मेरी हालत है इस खांसी की वजह से, कौन रखेगा मुझे नौकरी पर, और साथ में मेरी बच्ची भी तो है, तुम्हें शायद मालूम नहीं, बच्ची वाली औरत को लोग नौकरी देखते रखना पसंद नहीं करते। इन बिहारी और साथ में बच्चा, बच्ची को किसी को दे दो, मेरा मतलब जिसके बच्चा ना हो किसी ऐसे जोड़े को दे दो। मैंने पैदा किया है इसे, मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दूंगी। मैंने मजाक में कहा, तुम तो मुझे स्वर्ग में ले जा रहे हो। फिर उसने कहा, अगर मैंने लापरवाही की तो मेरी बीमारी की चोट मेरी बच्ची को लग जाएगी। तब से मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, बच्ची को प्यार से चूमती भी नहीं, जैसे हर माँ अपनी बच्ची को लाड प्यार करती है। मैं सोच रहा था कि मैं ही दुखी हूं, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। तुम और दुखी लगते तो नहीं,
तुमने अभी अभी कहा ना कि तुम अच्छी लाइफ जीना चाहती थी। मैंने भी कोशिश की थी। जब मैं छोटा था तो एक चोरी के जुर्म में मुझे रिफॉर्म स्कूल में डाल दिया गया। वो चोरी जो मैंने की ही नहीं थी। चोरी करने वाले लड़के मुझसे बड़े थे। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं उनके साथ था। उन्होंने अपना ब्लेम मुझ पर शिफ्ट कर दिया। रिफॉर्म स्कूल ने मुझे सुधारने के बजाय अपराधी बना दिया। यकीन मानिए, वहां कोई भी बच्चा सुधरता नहीं है, क्योंकि वहां के हालात ही ऐसे नहीं है। रिफॉर्म स्कूल चलाने वाले खुद चोर हैं। और जब मैं वहां से बाहर निकला, मैंने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही किसी को पता चलता कि मैं रिफॉर्म स्कूल से आया हूं, तो मुझे निकाल देते। बिल्कुल तुम्हारी तरह, जब कोई चारा नहीं बचा तो मैंने चोरी की, पकड़ा गया, 5 साल की कैद हुई। और जब मैं बाहर निकला तो मैं पूरी तरह से चोर बन चुका था। तब से यही करता आ रहा हूं। मैंने बहुत वक्त बिताया है जेल में, लेकिन अब आजाद हूं मैं। आगे का क्या सोचा है तुमने? आगे का क्या सोचना है? सोचना तो उनको है जिन्होंने मुझे ऐसी लाइफ दी है। तुम जेल से कब छूटे? तुम्हें इससे क्या मतलब? तो मेरी मदद करोगी? हाँ, करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। तो फिर मेरी बात सुनो, लेकिन मुझे धोखा तो नहीं दोगी? नहीं, कभी भी नहीं। मेरा नाम टिम मॉर्गन है और मैं 10 दिन पहले ही जेल तोड़ कर आया हूँ। तुम टिम मॉर्गन हो? वही टिम मॉर्गन जिसने पिछले हफ्ते बैंक लूटा था? पुलिस पागलों की तरह जिसे ढूंढ रही है, वही टिम मॉर्गन? ठीक है, दीवारों पर कान लगाकर बैठे रहते हैं मुझे पकड़ने के लिए। अखबारों में तुम्हारी खबर छपी थी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं स्टीव की तरह कोई ऐसा वैसा उचक्का नहीं हूं। नहीं, मुझे तुमसे कोई डर नहीं, लेकिन डर इस बात का है, अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर से तुम्हें जेल में डाल देगी। क्या स्टीव तुम्हें पहचानता है? वो इनाम पाने के लिए तुम्हें पकड़वा सकता है। जिस तरह वो मुझे देख रहा था, मुझे नहीं लगता वो मुझे पहचानता है। हमारे साथ वाले कमरे में तुम कब से रह रहे हो? 1 हफ्ते से, जिस दिन बैंक लूटा उसी दिन से। मैंने सोचा मेरे बारे में शोर थोड़ा कम हो जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं बाहर भी नहीं निकलता, सिर्फ आज खाने पीने का सामान लेने के लिए थोड़ी देर के लिए निकला था। लेकिन जब मैं लौट रहा था चौराहे पे बैठा एक आदमी मुझे घूर रहा था। उसके देखने का ढंग ठीक नहीं था, शायद वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था।
उसके यहाँ आने से पहले मैं फरार हो जाना चाहता हूँ। क्या वो कोई पुलिस का आदमी था? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। फिर भी तुम यहाँ आ गए। अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुमने स्टीव से भी झगड़ा कर लिया, जबकि तुम तो मुझे जानते भी नहीं। मेरा दिल कह रहा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मेरी जगह कोई भी आदमी होता तो तुम्हारी हालत देखकर वही करता। नहीं, सभी मर्द एक से नहीं होते। लेकिन जो आदमी तुम्हें घूर रहा था, अगर वो पुलिस वाला हुआ तो वो यहाँ आ गया तो तुम क्या करोगे? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? क्या वो फायर एस्केप है? हाँ, क्यों? बाहर कहाँ निकलता है? नीचे आंगन की तरफ, ऊपर छत की तरफ। आंगन की तरफ जाना तो बेवकूफी होगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं छत पर चला जाऊंगा और पीछे की पाइप से नीचे उतर जाऊंगा। तुमसे कोई पूछे तो कह देना मालूम नहीं। थोड़ी देर बातों में उलझा के रखने की कोशिश करना, तब तक मैं फरार हो जाऊंगा। जब तक हो सकेगा मैं रोकने की कोशिश करूंगी। मैं उनसे कह दूंगी मैंने एक घंटा पहले तुम्हें नीचे से जाते हुए देखा था। हाँ ठीक है। ये रख लो, चुपचाप रख लो, मना मत करो। ये बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन मुझे इनकी जरूरत नहीं है। इस पैसे से तुम बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाना, उस खटिया स्टीव से बहुत दूर। हाँ, पहाड़ों पर चली जाना, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना। नहीं, मैं ये पैसा नहीं ले सकती। मुझ जैसी गिरी हुई औरत पर तुमने पहले ही बहुत एहसान किया है। कौन कहता है तुम गिरी हुई औरत हो? तुम बहुत ही भोली और ईमानदार हो। तुमने मुझे इस स्टीव से बचाया, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। शायद तुम्हारा ये एहसान मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी। हालत ठीक होते ही मैं तुमसे मिलने की कोशिश करूंगा। मेरा वेट करना। इस कागज से तुम्हें पता चल सकेगा कि मैं कहां पर हूं। हालत ठीक होते ही हम नई लाइफ शुरू करेंगे एक साथ। कैसी आवाज है? मुझे लगता है वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे उनके यहाँ आने से पहले फरार हो जाना चाहिए। शायद कोई दबे पांव सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। अभी मौका है, भाग जाओ, उनके हाथ मत आना, बस फरार हो जाओ। I love you. Love you. Goodbye, dear.
जितनी जल्दी हो सकेगा। टिम मॉर्गन, मैंने कहा था ये वही है। मैंने रात को इसे ही इधर आते हुए देखा था। पर एक बार देखा हो चेहरा मैं कभी नहीं भूलता। मैंने सोचा नहीं था कि ये बेवकूफ एक ही जगह टिका रहेगा। ए, किस वजह से मार डाला इसे? कोई इश्क विश्क का चक्कर था? ओह, समझा। तो तुम धंधा करती हो यहाँ? अच्छा मजा दिया होगा इसने, और इतने सारे पैसे भी। जवाब दो, इसका खून क्यों किया तुमने? पैसों के लिए ना? I swear by God, मैंने नहीं मारा इसे। इस पर गोली किसी ने बाहर से चलाई खिड़की से। हमने तो साथ रहने का वादा किया था। I loved him. बंद करो ये बकवास। तुम हमें बेवकूफ समझती हो? खिड़की बंद है और शीशा भी नहीं टूटा। सुना तुमने? खिड़की बंद है और कोई शीशा भी नहीं टूटा। तुम ये कहना चाहती हो कि इसने तुम्हें पैसे दिए और फिर खुद ही गोली मार ली अपने आप? तुम समझती क्या हो? हाँ? टिम, टिम, टिम! भगवान के लिए कुछ तो बोलो, बताओ ना इन्हें जो तुम मुझसे कह रहे थे, बताओ ना इन्हें। ये पैसे तुमने खुद मुझे दिए थे ताकि मैं बच्ची को लेकर पहाड़ों पर चली जाऊं, अपनी खांसी का इलाज कराऊं। Speak to them, tell them I love you. Tim, मैं तो तुमसे प्यार करती थी और तुमने मुझे किस भी तो किया था। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी, फिर मैं तुम्हारा खून कैसे कर सकती हूँ? बोलो, कुछ तो बोलो। तुम बोलते क्यों नहीं? Why don't you speak? Why don't you speak? अच्छा ड्रामा कर लेती हूँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुर्दे का भी बोला नहीं करते। लगता है इसने काफी नशे उसे चढ़ा रखे हैं। तुम दोनों इसे पुलिस स्टेशन लेके जाओ और ठीक से रिपोर्ट तैयार करो। मैं यहीं रुककर छानबीन करता हूँ। दोबारा अगर ये रोना धोना करे तो ठोक देना साली को। मैंने नहीं मारा इसे, मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? तुम्हारा बच्चा है? हाँ। क्या आप इसे ले जाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूंगा इसका। शुक्रिया। Thank you.
माँ तो चली गई बच्चे, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ।